पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष व निगम के चेयरमैन आरएस बाली ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावना है और इस क्षेत्र को सरकार द्वारा विकसित किया जाएगा। आज शिमला में पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष व निगम के चेयरमैन के रूप में अपना पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधुनिक पर्यटन की संभावना तलाशी जाएगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों के जरिए पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे लाने की जरूरत है। बहुत सारी स्पोर्ट्स के, जैसे आजकल हॉट एयर बलून्स वाराणसी में भी चल पड़े हैं, बाहर से आते हैं, राइड होती है, समय लगता है उसके लिए, पहले आके वो पूरी रेकी करते हैं। बहुत सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स में चीजें और लाई जा सकती हैं और उसके ऊपर विशेष काम किया जाएगा। बहुत सारे गोल्फ कोर्स बनाने की जरूरत है, होटल के प्रोजेक्ट्स लाने की जरूरत है। जो पुराने हमारे 55 जो प्रोजेक्ट्स हैं टूरिज्म के कॉरपोरेशन के, उनको दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। उनके अंदर बहुत सारा काम करने की जरूरत है, उनका ढांचा बदलने की जरूरत है, उसके अंदर रेनोवेशंस करने की जरूरत है। जो जितने टूरिज्म के मुलाजिम हैं उन मुलाजिमों से बात करके उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में सोचने की जरूरत है। उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे चलाए जाए उसके बारे में सोचने की जरूरत है और हम ये सारा काम करेंगे।